नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस ब्लॉग वीडियो में। आज आपको हम दिखाने वाले हैं ऐसा प्रॉपर्टी जिसको लेकर आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, और इसमें बिजनेस के पर्पज़ से ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है। ये जो आप ये देख रहे हैं पूरी बाउंड्री लगभग 5 कट्ठा में है, और 5 कट्ठा में है जो इसको जो भी इसके ऑनर हैं वो इसको भाड़े पर देने वाले हैं। तो इन्होंने चारों तरफ से अपना बाउंड्री करवा दिया है, और करवाने के बाद इसको इनका ये कहना है कि इसको भाड़े पे ले ले और इसको अपना कोई बिजनेस करे, कोई व्यापार करे, कोई गोदाम बनाए या फिर कोई बकरी पालन करे। किसी प्रकार का अगर बिजनेस करना है तो इसमें ये लेकर भाड़े पे अपना कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ बिजनेस इसके ऑनर मौजूद हैं, उनको बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। ये हमारे नागेंद्र जी ऑनर हैं, नंबर स्क्रीन पर दे देंगे आपको, देखते रहिएगा और कॉल करने की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। बताइए, ये जो आपका प्रॉपर्टी है, ये जो पूरी बाउंड्री दिए हुए हैं, कितना दूरी में है, क्या है, किसका फ्रंट क्या है, कहाँ पे है, स्थित है? ये आपका मीरगंज से जो बड़रिया वाला रोड है, उसी के सटले है। अच्छा, मीरगंज से बड़रिया वाले रोड पे है। हाँ जी, हाँ। और ये बदरजी पुल के बाद जो पड़ता है ठंडा घर के बगल में, यहाँ इसका लोकेशन है। ये किस पर्पज से लोगों को देना चाहते हैं? ये मान लीजिए कोई बकरी पालन खोल लिया जाए, या कोई गोदाम, या कोई बिजनेस टाइप है, या छोटा मोटा लघु उद्योग जैसे आजकल बहुत से चल रहा है, छोटा मोटा लघु उद्योग, उस पर्पज से हम देना चाहते हैं। यानी कोई लघु उद्योग करना चाहे, बकरी पालन करना चाहे, या फिर किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहे, फिर गोदाम बनाना चाहे, गोदाम, तो अपना पैसा लगाकर आप तो बाउंड्री करवा दिए हैं, करवा दिए, और जो भी इसमें कार्य है वो अपना पैसा लगाकर करवा ले। हाँ, उसके बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं। उस पैसे का कैसे, क्या बिजनेस कैसे बात होगा? अब उसका पैसे का बैठ कर आपस में मीटिंग हो जाएगी, 5 साल का हम एग्रीमेंट कर देंगे, जो भी पैसा वो देंगे उस पर्पज से हम उनसे बातचीत करके जो किराया होगा, जो भी होगा, जो उचित किराया है उस पे आप लागू कर रहे हैं, लागू कर दिया, यही चीज़ है। तो क्या इसका डिमांड है आपको, ये बताइए कि कैसे, क्या है इसका डिमांड, क्या है पैसे की, मंथली वगैरह क्या है, या फिर अब मीटिंग के बाद ही इसको तय किया? मीटिंग जब जो भी आएगा उनसे मीटिंग के बाद हम कर लिया। दोस्तों, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इनका, इनका नंबर इस पे स्क्रीन पे दे दिए हैं, उस पे आप कॉल करिएगा, बात कीजिएगा। जिस तरीके से आपको जो भी बिजनेस करना हो या फिर जो भी गोदाम वगैरह बनाना हो, उस हिसाब से आप सोच समझ के अपना कॉल कीजिएगा, ये बता देंगे अपना मीटिंग, आप लोग आपस में मिलकर मीटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद से अपना बिजनेस करना चाहे तो करिए। मेन ऑन रोड पे है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आगे से सामने से ये ऑन रोड है, और ये बिल्कुल रोड पे है। आगे से इसका जो भावली ज़मीन है वो भी 1 कट्ठा के करीब है, तो इसमें 10-15 गाड़ियाँ भी लग सकती हैं। और इधर देख सकते हैं, इधर गौसीहता वाला मुख्य मार्ग है, इधर सीधा ऑन रोड ही प्रॉपर्टी होने वाला है। और आप ये बिक्री के लिए नहीं है, आपको बता देते हैं, ये भाड़े के लिए है, किराए के लिए। हाँ, ये जो ऑनर दिख रहे हैं, ये जो है दिल्ली रहते हैं, और यहाँ इनका बहुत कम आना जाना रहता है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम बाउंड्री करवा देते हैं, किसी को लेना होगा तो अपना करकट वगैरह डाल के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो ये बहुत से जल्द हम लोग चाहते हैं कोई ले ले और इस पर बिजनेस करें। और ये बाहर रहते हैं तो इसलिए इनको प्रॉब्लम खड़ा होता है कि भाई बार बार आना जाना यहाँ संभव नहीं, इनका बिजनेस दिल्ली में ही है, इसलिए ये कहते हैं किसी को हम भाड़े पे दे देंगे, ये चलाते रहेंगे, जो मंथली उचित मंथली होगा वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल करें इस नंबर पर।